हाँ तो अध्यक्ष जी बताइए कि कांग्रेस की जो स्थिति है वर्तमान में बरेली जिले में और पूरे भारतवर्ष में, तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे जिला पंचायत के चुनाव हुए अभी हैं, उसके बाद बहुत बड़ी महामारी फैली, तो इस पर सरकार का कंट्रोल नहीं है, आप क्या रहेगा कांग्रेस का? सबसे पहला तो आपने देखा, कांग्रेस पार्टी ने कभी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी। जी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ी है। जी आज भी देश के तमाम जनता तिराही तिराही कर रही है। योगी जी का बयान आता है, उनके मंत्रियों कैबिनेट केंद्र के बैठे मंत्रियों का बयान आता है, और वो कहते हैं, कोई कहता है कि चॉकलेट से कोरोना ठीक हो जाएगा, चॉकलेट का इस्तेमाल है, किस तरीके के बयानबाजी वो कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ईमानदारी के साथ इस देश की जनता के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने कभी राजनीतिकरण कभी भी किसी भी आपदा के समय में किसी भी परिस्थितियों में, जो देश अगर कहीं संकट की स्थिति से गुजरा तो कभी राजनीति पॉलिटिक्स कभी नहीं की। कांग्रेस पार्टी इस देश के लोगों से जिंदा जिंदा दिल के साथ जुड़ी रही है और जुड़कर आज भी आपने देखा, चाहे हमारी IYC की बात हो, चाहे तमाम आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे नेता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, तमाम लाखों करोड़ों कांग्रेस का कार्यकर्ता आज जिस तरीके से हम लोगों की जान बचा सकते हैं, जिस तरीके से हम ऑक्सीजन की बात हो, दवाई की बात हो, जो भी हम मदद कर सकते हैं मदद करने का प्रयास हम करें। लेकिन ये कायर सरकार अपने अधिकारियों का, पुलिस के अधिकारियों द्वारा भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्रीनिवासन जी को जिस तरीके से पुलिस मदद करने पर कहीं ना पूछताछ करने का काम कर रही है, इससे बड़ी कहीं मैं कहूँगा कोई भी ये शर्म की बात नहीं हो सकती। जहाँ एक तरफ हम जान बचाने के लिए राजनीतिकरण नहीं कर रहे, हम जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक जान बहुत कीमती है, हमारा प्रयास है पहले कि हम एक एक जान बचाने के लिए काम करें। हमारे तमाम कांग्रेस के नेता, धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को, और हमारे यूथ कांग्रेस के जो जुझारू अध्यक्ष हैं हमारे IYC के श्रीनिवासन जी, और हमारे उत्तर प्रदेश के संघर्षशील अध्यक्ष, और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर जी हों, तौकीर आलम जी हों, तमाम हमारे कांग्रेस के नेता इन परिस्थितियों में कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को लेकर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं, हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल हमारे राजीव जी की, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने युवाओं को बहुत कुछ देने का काम किया, कंप्यूटर क्रांति के जनक, वो उनकी पुण्यतिथि है कल। हम एक पुण्यतिथि पर जनपद में तमाम जिले की तमाम ब्लाकों में, ग्राम पंचायतों में हम जाकर सैनिटाइजर काम करने का काम करेंगे, दवाएं वितरण करने का काम करेंगे, और हम हमारे जो नव निर्वाचित हमारे प्रधान बने हैं, BDC के सदस्य बने हैं, जो नई ग्राम जो पंचायत हैं में जो चुनाव हुआ है, जो सदन चुन कर आया, उन तमाम लोगों का हम जाके धन्यवाद करेंगे और उनको बधाई देने का काम। ठीक।